हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं खड़ा हूँ मुकेश हुंडई में आपको दिखाने द ऑल न्यू हुंडई टुसान। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो एनी फर्दर अडू विद द इंट्रो। दिस इज द ऑल न्यू हुंडई टुसान और यह है इसका फ्रंट प्रोफाइल। पर उसके पहले चाबी देख लेते हैं एक बार। दिस इज द कार की, स्पेशल की है ऑफ कोर्स। यह इसमें आपको मिलता है लॉक अनलॉक बूट रिलीज और होल्ड का बटन। अनलॉक कर लेते हैं पहले गाड़ी को। अनलॉक करते ही आपका जो ओवर व्यूम से वो रोल वो खुल जाता है। अब यह है इसका पैरामेट्रिक LED DRL जो हिडन है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये भी लाइट्स है, वैसे बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये भी लाइट है। नीचे की तरफ आपको फुल्ली LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा। और सामने भी इस गाड़ी को पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, जो है नंबर 1, 2, 3, 4 चार दिए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा एक ग्रिल है, लग रहा है कि कार इज ऑलवेज स्माइलिंग। नीचे की तरफ आपको एक फ्रंट पार्किंग कैमरा भी दिया गया है। इस गाड़ी में आता है ADAS सिस्टम विच इज़ Level 2, तो थोड़ा और एडवांस्ड आपको मिलता है इस गाड़ी में। देखने में बहुत ही खूबसूरत है। नीचे की तरफ आपको ग्रूव्स दिए गए, तो कूलर रेडिएटर ग्रिल एज वेल एज ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत है। बोनेट की बात करें तो आपको 1, 2, 3 और 4 क्रीस मिलता है, जो आराम से आपका रेडिएटर ग्रिल के साथ मर्ज हो जाता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको एक रजिड लुक देता है। LED DRLs इंडिकेटर्स इसमें है, सब कुछ LED में मिलता है आपको। यहाँ पे आप लगाएंगे अपना नंबर प्लेट, तो ये था इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की ओर। तो गाइज, ये है इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल। चलिए शुरू करते हुए इसके व्हील्स से। इसका प्रोफाइल है 235x60R18। सो 18 इंचेस व्हील्स है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स, आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं आपको इस गाड़ी में। प्लास्टिक फिनिश में आपको व्हील आर्च भी दिया गया है, अलॉन्ग विद बॉडी क्लैडिंग। मतलब बॉडी क्लैडिंग के साथ आपका कैरेक्टर लाइंस भी दिया गया टू एनहांस द लुक। ओवर VMs में आपको ये ऑटोमेटिक खुल रहा है, क्योंकि मेरे पास चाबी और मैं गाड़ी के पास आया हूँ, इसलिए इसमें आपको LED इंडिकेटर देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको कैमरा भी दिया गया फॉर द 360 डिग्री व्यू। आपको यहाँ पे एक हैंडल लैंप भी दिया गया है टू वेलकम यू ड्यूरिंग द नाइट टाइम। डे टाइम में भी आपको वेलकम करेगा ऑफकोर्स। रिक्वेस्ट सेंसर के साथ आता है इन बोथ द फ्रंट डोर्स। नीचे की तरफ भी आपको क्लैडिंग दिया गया है, पूरा गाड़ी में आपको क्लैडिंग देखने को मिलेगा। कैरेक्टर लाइंस बहुत है इस गाड़ी में, ताकि इसको एक रजट लुक दिया गया है। यहाँ पे आपको एक क्रोम में फिनिश दिया गया है विंडो के ऊपर, जो यहाँ से शुरू होता है और एकदम सी पिलर में आके मर्ज हो जाता है। आपको बी एंड सी पिलर पार्टली ब्लैक्ड आउट मिलेंगे ग्लॉसी फिनिश में। ऊपर की तरफ आपको एक रूफ रेल भी दिया गया है, लेकिन ये फॉर शो है, नॉट फंक्शनल। लाइट्स की बात करेंगे तो ये आपको साइड में थोड़ा सा मर्ज मिलता है, बहुत ही अच्छा सा लुक देता है। फुली LED सेटअप है ऑफकोर्स। एंड दिस इज द कार एट अ ग्लांस। बहुत ही लंबा है, बहुत ही सही दिखता है ये गाड़ी। तो ये था इसका साइड प्रोफाइल। अब चलते हैं इसके पीछे की ओर। तो गाइज, ये है इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल। आपको कनेक्टेड टेन लैंप्स देखने को मिलेंगे फुल LED सेटअप में। नीचे की तरफ भी आपको लाइट्स दिया गया है, और एकदम नीचे आपको इंडिकेटर्स दिया गया है। ये गाड़ी बीप कर रहा है क्योंकि मेरे पास की है, और दिस कार इज़ नाउ रेडी टू ओपन द बूट फॉर यू। यहाँ पे आपको कैमरा भी दिया गया है, रिवर्स कैमरा। पहले बूट दिखा देते, तो अब बूट खोलने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रो, यहाँ पे जो स्विच है
उसको एक बार दबाइए एंड द बूट विल बी ओपनड. सो दिस इज द बूट स्पेस ऑन ऑफर यू गाइज. और यहाँ पे जो पार्सल ट्रे है वो रिट्रैक्टेबल है, ऐसे करके आप इसको लगा भी सकते हो. और अगर आपको ये नहीं चाहिए आप कम्प्लीटली इसको खोल के गैराज में रख देना. और नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील भी दिया गया है, आई थिंक वो यहीं पे है, हाँ, इंक्लूडिंग द टूल किट्स एंड ऑल. काफ़ी सही बूट स्पेस है इसमें. इलेक्ट्रिकली पार्ट टेल गेट है, तो स्विच आपका यहाँ पे मिलता है. और उससे पहले मैं एक बार एमिनिटीज़ की बात कर लेता हूँ. इस तरफ आपको एक सबवूफर देखने को मिलेगा और यहाँ पे है, इस लीवर से आप पीछे के सीट्स को फोल्ड कर सकते हो. दोनों तरफ दिया गया है. यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया है, एक बूट लैंप भी दिया गया है. मैं आपको सीट्स फोल्ड करके दिखा देता हूँ. ये वाला ऐसे, ये वाला भी फोल्ड हो जाता है. तो स्प्लिट सीट दिया गया है आपको 40-60 रेशियो में. ये था इसका बूट स्पेस. अब चलते इसको बंद कर देते हैं एक बार. ये हो गया इसका बूट क्लोज्ड. एमिनिटीज की बात कर लेते हैं. आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाएगा. यहाँ पे डिफॉगर भी है, लेकिन अच्छा हाँ, यहाँ पे वाइपर भी है जो यहाँ पे हिडन है. लैंड रोवर की जैसा आपका वाइपर्स हिडन दिया गया है. बहुत ही बढ़िया, गुड डिज़ाइन फ्रॉम Hyundai, थम्स अप फॉर दैट. और यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी है, ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना भी है. अरे बंद हो जाए यार, ये हमेशा मुझे चाहता है कि मैं इसका बूट खोल कर दिखाऊँ. नीचे की तरफ आपको स्किड प्लेट भी दिया गया है, इंक्लूडिंग द पार्किंग सेंसर्स. तो ये था इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल. और यहाँ पे आपको 200 का बैजिंग भी मिलता है. ये था इसका रियर प्रोफाइल. अब चलते इस गाड़ी के अंदर. मैं इस गाड़ी के पास आ गया तो इसका लैंप ऑन हो गया हैंडल का. और भी आपका जो ओवर व्हील्स है वो फोल्ड हो गए, मतलब अनफोल्ड हो गए, क्योंकि ये मुझे वेलकम कर रहा है. लेकिन गाड़ी इज़ नॉट अनलॉक्ड, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट सेंसर दबाना पड़ेगा. एंड नाउ द कार इज़ अनलॉक्ड. ये इसका डोर लेआउट. ये इसका पुल लिवर इन क्रोम, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है. नीचे की तरफ आपको विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे. यह है इसका लॉक अनलॉक और ओवर वीएम के कंट्रोल्स. यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देख दिया गया है. यह है आपका सॉफ्ट टच. ये आपका थोड़ा सा फैब्रिक फिनिश में दिया गया है. ये भी सॉफ्ट टच है ऊपर वाला हिस्सा. यहाँ पे आपको मेमोरी सीट्स का ऑप्शंस भी दिया गया है, दो मेमोरी सीट्स के साथ. नीचे की तरफ आपको बोस साउंड सिस्टम, बोस का स्पीकर मिलता है इस गाड़ी में. बोस का 8 स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम आता है. यहाँ पे बॉटल होल्डर और सम स्पेस भी दिया गया है. ये पार्ट आपका लेदर रैप्ड है. एक वाइड एंगल में दिखा देता हूँ. दिस इज़ द डोर लेआउट. और ये है इसका इंटीरियर एट अ ग्लांस. अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर. सीट को थोड़ा पीछे कर लेते हैं. सो हियर आई एम इनसाइड दिस कार. इट वेलकम्स मी लाइक दिस इन बोथ द स्क्रीन्स. Hyundai का लोगो दिखा के एंड द साउंड ऑफ कोर्स. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका स्टीयरिंग व्हील के बारे में. इसका लेफ्ट साइड में आपको मिलता है ऑडियो कंट्रोल्स और राइट साइड में आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल विथ लेन असिस्टेंस का बटन. आपका एडास से रिलेटेड जो कुछ भी सिस्टम का बटन्स है वो यहाँ पे दिया गया है. इसी तरफ स्टीयरिंग कॉलम में आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं जो ऑटोमेटिक है. और वाइपर के कंट्रोल्स आपको लेफ्ट साइड में दिया गया है जो ऑटोमेटिक है. तो चलिए एक बार गाड़ी को ऑन कर लेते हैं. उससे पहले मैं बता देता हूँ, इधर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन, बूट खोलने का बटन और हेडलैम्प का लेवलिंग जो होता है बटन का, वो यहाँ पे दिया गया है. नीचे की तरफ आपको फ्यूज़ बॉक्स है, वो कुछ नहीं है. यहाँ पे आपका एसी वेंट है. ये फैब्रिक फिनिश यहाँ पे भी कंटिन्यू किया गया है. यहाँ पे भी कंटिन्यूड है, वहाँ तक पूरा कंटिन्यू किया गया है. ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आप सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो. और नीचे की तरफ आपको एसी का पूरा कंट्रोल दिया गया है जो फुल्ली कैपेसिटिव टच के ऊपर है. बहुत ही बढ़िया है. आपको टू जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है जो बहुत ही बढ़िया है. नीचे की तरफ आपको यूएसबी का सॉकेट, 12 वोल्ट पावर सॉकेट और वायरलेस चार्जिंग भी दिया गया है जो बहुत ही सही है. अब चलते हैं इस गाड़ी को थोड़ा ऑन कर लेते हैं. यहाँ पे इसका इंजन का स्टार्ट स्टॉप बटन है. ये हो गया इग्निशन ऑन. फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, Hyundai का लोगो.
यहाँ पे आपको हजार लाइट का बटन दिया गया है, वहाँ पे बोस का साउंड सिस्टम का थोड़ा सा स्पीकर्स भी है वहाँ पे ऊपर की तरफ। यह इसका स्क्रीन। स्टीयरिंग कॉलम की अगर बात करते हैं तो ये बोथ रिच एंड टिल्ट के लिए एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। ऊपर की तरफ आपको ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर दिया गया है। यहाँ पे आपका सनरूफ के कंट्रोल्स इंक्लूडिंग द लाइट कंट्रोल्स आपको दिया गया है। चलिए सनशेड खोल लेते हैं एक बार, उसके लिए गाड़ी का ऑन करना पड़ेगा। देयर यू गो, दिस इज द फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लो फ्यूल आपको दिखा रहा है, लो टायर प्रेशर भी आपको दिखा रहा है, और सिंस वो दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं हुआ तो ये दरवाज़ा खुला है ये भी आपको नोटिफाई किया जा रहा है। यहाँ पे आपको SOS का बटन भी दिया गया है और यहाँ पे है टोइंग का बटन। ये सब आपका केबिन लाइट्स है, यहाँ पे स्पीकर्स दिया गया है। चलिए सनशेड को खोल लेते हैं। वन टच से आपका सन रूफ भी खुल जाता है जो पैनोरामिक है। और यहाँ पे आपको दिया गया है ग्लव बॉक्स जो इल्यूमिनेटेड है और काफ़ी डीप है टू यूज़। वहाँ पे भी एसी वेंट्स दिया गया है क्रोम इंसर्ट्स के साथ इन बोथ द साइड्स। यहाँ पे आपको लाइट भी दिया गया है। इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइट भी आता है जो बहुत ही कूल है। ये इसका एसी का कंट्रोल्स है। नीचे की तरफ आपको गियर लीवर भी देखने को मिलेगा विथ टू कप होल्डर्स। और यहाँ पे है आपका वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन, द मस्ट नीडेड ऑप्शन इन कोलकाता और एनी अदर हॉट सिटीज़। इसको दबाने से आपका आर्म रेस्ट खुल जाता है, ये भी काफ़ी डीप है, यू कैन एक्चुअली स्टोर थिंग्स हियर एज वेल। ये इसके वेंटिलेटेड सीट्स, चलिए मैं ऑन कर लेता हूँ, इसका मज़ा थोड़ा ले लेते हैं, मज़ा आ जाता है इसमें। और यहाँ पे दिया गया आपका ऑटो पार्किंग ब्रेक, मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है उसका। यहाँ पे है पार्किंग सेंसर्स का ऑन करने का बटन, ये कैमरा ऑन करने का बटन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका 360 डिग्री व्यू और द बर्ड व्यू। यहाँ पे है इसका रिवर्स रिवर्स कैमरा का, इसका जो गाइडलाइंस है वो अडाप्टिव है। ऑटो होल्ड का बटन भी दिया गया है। ड्राइव मोड्स का बटन आपको यहाँ पे मिलेगा, काफी बढ़िया है। तो ये थे इसके फ्रंट सीट्स के बारे में। वैसे आप पीछे से भी इस सीट को सामने की तरफ कर सकते हैं फॉर कन्वीनियंस। ये सिर्फ पैसेंजर साइड में दिया गया है। तो ये था इस सीट्स के बारे में, फ्रंट सीट्स के बारे में। अब चलिए चलते हैं पीछे की सीट्स की, चलते हैं अभी इस गाड़ी के रियर सीट्स की तरफ। तो ये इसका डोर लेआउट, पुल लिवर, ऑफकोर्स आपका जो लेआउट है वो मोर ऑर लेस सेम है। विंडोज़, विंडो के कंट्रोल्स आगे से बंद होंगे, सो पहले एक बार इसको चेकआउट कर लेते हैं। विंडो वन टच से डाउन और अप है बोथ द साइड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन पीछे के विंडोज़ आपके वन टच डाउन आप नहीं है, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। तो ये था इसका डोर लेआउट और ये था इसका इंटीरियर एट अ ग्लांस। अब चलिए चलते इसके अंदर। तो हियर आई एम इनसाइड दिस कार। आगे वाला सीट मैंने अपने ड्राइविंग पोजीशन में एडजस्ट किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम, नी रूम दोनों मिलता है। हेड रूम इज मोर देन सफिशियंट फॉर मी। यहाँ पे रियर में आपको एसी वेंट्स भी दिया गया है जो वर्टिकल है, काफ़ी खूबसूरत है देखने में। नीचे की तरफ को दो USB सॉकेट्स दिया गया है। मिडल का हम्प थोड़ा बहुत है लेकिन पीपल विल बी इजीली सीटेड, मतलब तीन लोग आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। आपको एक आर्म रेस्ट भी दिया गया है, ये पूरा का पूरा प्लास्टिक से रैप्ड है। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स भी दिया गया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकता। यहाँ पे तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिया गया है। और सिंस इस गाड़ी का जो सनरूफ है वो पैनोरामिक है, इस गाड़ी के केबिन में लाइटिंग का कोई इशू नहीं होगा। आपको गैप हैंडरेस्ट दिया गया है जो सॉफ्ट क्लोज है। यहाँ पे आपको लैम्प्स भी दिया गया है इंक्लूडिंग अ कोट हुक
वो दोनों तरफ। ये सीट्स का कंफर्ट बहुत ही बढ़िया है, आइसोफिक्स स्टाइल सीट्स भी आ जाता है। ये है इसका पीछे का बूट का स्पेस। आपको एक क्वार्टर ग्लास पैनल भी दिया गया है ताकि थोड़ा बहुत लाइटिंग और इंक्रीज हो सके इस कैबिन के अंदर, जो बहुत ही बढ़िया है। और ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड फ्रॉम बिहाइंड। तो ये थे इस गाड़ी का रियर सीट्स के बारे में एज वेल। तो अब चलिए सुनते हैं इसका थोड़ा सा एक गाना, ताकि मैं बता पाऊँ इसका साउंड सिस्टम कैसा है। तो गाइस ये था इसका साउंड सिस्टम का थोड़ा सा टेस्ट, और चलते हैं अभी इस गाड़ी के इंजन बे की तरफ और द हार्ट ऑफ द कार। Tucson. अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वैसे ये मुकेश हुंडई का जो ब्रांच है, इसका पूरा गूगल मैप्स का लिंक एंड फोन नंबर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई वुड लाइक टू थैंक देम क्योंकि उन्होंने ये गाड़ी मुझे प्रोवाइड किया है। एंड सो दैट वॉज प्रीटी मच अबाउट दिस वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन पीस।